अगर आप कैंपिंग करने का शौक रखते हैं तो स्टार्ट कैंपिंग लाइक अ रियल मैन, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द जंगल, लाइटिंग अप फायर एंड कुकिंग. दिस इज व्हाट मैक्सिमाइज द फन ऑफ कैंपिंग. मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया एंड आई एम कैंपिंग सिंस मोर देन 15 ईयर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 5 रॉकेट स्टोव फॉर कैंपिंग जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं और आप भी खरीद सकते हैं. मैंने इन सब स्टोव्स को उनके लाइट वेट, कैरिंग कंफर्टेबिलिटी इन द बैकपैक, वुड लाइट अप टाइम एंड फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पर रैंक किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 5 पर है हॉट एश कैंपिंग स्टोव. टाइटेनियम का बना हुआ हॉट एश कैंपिंग स्टोव लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है जो कि लाइट वेट भी है और जंगल में मिलने वाले ज्यादातर टाइप के फ्यूल्स को बर्न कर सकता है. इसका वेट है 500 ग्राम से भी कम. लॉग बर्निंग चैम्बर की वजह से फ्यूल जल्दी और अच्छी तरह जलाता है. क्योंकि आप इस स्टोव को असेंबल भी कर सकते हैं तो बैकपैक में बहुत ही कम स्पेस लेता है. रेट और अवेलेबिलिटी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हॉट एश. हम पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे. तो दोस्तों, नंबर 4 पर है फोल्डिंग फायर बॉक्स नैनो. यह एक लाइट वेट कैंपिंग वुड बर्निंग रॉकेट स्टोव है जिसके असेंबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है. सिंपली ओपन एंड यूज. फायर बॉक्स नैनो एक वुड बर्निंग के ट्रेडिशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसमें वुड्स को क्रॉस करके लगाया जाता है जिससे लकड़ी जल्दी और अच्छी तरह जलती है. बर्तन को होल्ड करने के लिए भी इसमें 4 आर्म्स यानी कि 4 आर्म्स लगाई गई हैं जिन्हें छोटे बर्तनों के साथ अंदर की तरफ और बड़े बर्तनों के साथ बाहर की तरफ खोला जा सकता है. इससे स्टोव को भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और कुकिंग पॉट को भी. आप वुड बर्निंग के साथ साथ अल्कोहल बर्निंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. इसका टोटल वेट 200 ग्राम से भी कम है और आप अपने बैकपैक में इसे बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं. अगर इस स्टोव को खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए फोल्डिंग फायर बॉक्स नैनो. नंबर 3 पर है कॉम्बुइज रॉकेट स्टोव. ये रॉकेट स्टोव कॉम्पैक्ट कुकिंग सेट के साथ आता है. आपको कभी भी किसी भी तरह की फ्यूल को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों. ये नेचुरल एयर फ्लो के प्रिंसिपल पर काम करता है. कुकिंग करते करते आप इसे रिफिल आराम से कर सकते हैं. कुकिंग पॉट के ऊपर जो ढक्कन है उसे आप पैन की तरह भी यूज कर सकते हैं. कुकिंग के बाद वापस पैक कीजिए, कुकिंग पॉट में रख कर चलते बनिए. कुकिंग पॉट के साथ टोटल वजन है 1 किलो से भी कम और इसे बैकपैक में कैरी करना बहुत ही आसान है. अगर आप कॉम्बुइज रॉकेट स्टोव के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए कॉम्बुइज रॉकेट स्टोव. इससे जुड़ी सभी जानकारी और परचेज लिंक हम आपको भेज देंगे. नंबर 2 पर है वीरे रॉकेट स्टोव. वीरे रॉकेट स्टोव एक फोल्डेबल कंपैक्ट डिजाइन में बना है जिसका साइज है 11.9 इंच लंबाई, 6.5 इंच चौड़ाई और वजन 1 किलो के आसपास. इसे आप फोल्ड करके असेंबल करके साथ ले जा सकते हैं. इसमें बायोपॉड दिए गए हैं स्टेबिलिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए लॉक. आग जलाने के लिए आप सूखे पत्ते या कागज का प्रयोग कर सकते हैं. यह पोर्टेबल है और नेचुरल एनर्जी का सोर्स भी और इसे यूज करना बहुत ही आसान है. तो फ्रेंड्स, बेस्ट 5 रॉकेट कैंपिंग स्टोव की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया है सोलो स्टोव टाइटन.
सोलो स्टोव टाइटन एक सुपर कॉम्पैक्ट रॉकेट स्टोव है जो कि दो या चार लोगों के लिए सफिशिएंट है और कुकिंग पॉट के साथ आता है। इसके तीन पीसेस को असेंबल करते ही ये रेडी हो जाता है किसी भी तरह की लकड़ी को जलाने के लिए। रॉकेट स्टोव होने का फायदा यह है कि वो फ्यूल एफिशिएंट होता है और जल्दी आग भी पकड़ लेता है। इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती जैसे कि ओपन में आग लगाने पर होती है। आपके कैंपिंग बैग में इसे कैरी करना बहुत ही आसान है। जितनी जगह कोई भी कुकिंग पॉट लेता है उतनी ही जगह में आप अपना कुकिंग स्टोव भी कैरी कर सकते हैं। कुकिंग पॉट के साथ वजन करीब करीब 1.25 किलो के आसपास हो जाता है। अगर आप इस स्टोव के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सोलो स्टोव। इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया की रॉकेट स्टोव सीरीज का यह एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं जानता हूं कि आप सब कैंपिंग ट्रिप्स पे जाने के लिए बेताब होंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा दोस्तों। COVID-19 की वजह से जो बॉर्डर्स बंद हैं वो जल्द ही खुल जाएंगे और जैसे ही वो खुलते हैं आप बस घर से निकल जाइएगा। तब तक तैयारी करके रखिए ताकि आप कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग का पूरा मजा उठा पाएं। अगर आप किसी और कैंपिंग गियर या गैजेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको उस कैंपिंग गियर या फिर गैजेट के बारे में सारी जानकारी आने वाले एपिसोड में देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।